कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे ये सूखे हुए मटर हैं। इन्हें हरे कलर के आते हैं, ये पीले रंग के आते हैं। इन्हें हमने रात भर भिगो देना है या 2-3 घंटे के लिए आप भिगो दें। भीगने के बाद ये फूल जाएंगे। साथ में हमने ये 2 आलू लेने हैं। इन्हें आप अच्छे से धो लें, साफ कर लें और एक प्रेशर कुकर में आप इन्हें डाल दें। इन्हें हमने 2 सीटी लगानी है। दूसरी सीटी जब लगेगी आपने गैस को बंद कर देना है। साथ ही हम डालेंगे 1 टेबल स्पून नमक। इसे आप 2 विसल आने तक, ये मैंने इन्हें उबाल कर रख लिया है। ये आलू उबले हुए हैं, साथ ही मटर भी उबल गए हैं। ये 1 बड़े साइज का प्याज बारीक काट लिया है। इसी तरह टमाटर भी काट लिए हैं मैंने बारीक, और 1 टमाटर काटा है और 1 हरी मिर्च है। साथ ही हमें 2 नींबू का रस चाहिए है। सबसे पहले हम इसे एक बाउल में ले लेंगे। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इन्हें आप मिक्स कर लें। ये 2 नींबू का रस भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। ये व्हाइट सॉल्ट है। हमें ये याद रखना है, हमने उबलते टाइम भी इसमें नमक डाला है, तो 1 टीस्पून नमक। लाल मिर्च ऑप्शनल है। ये गरम मसाला है 1 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर है और ये पानी पूरी मसाला है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो आप इसे जरूर डालें। और साथ ही 1 टेबल स्पून चाट मसाला है। 1/2 टीस्पून पानी पूरी मसाला और 1 टीस्पून चाट मसाला। इन सब मसालों को आप अच्छे से मिक्स कर लें। तैयार है हमारा ये चटपटा सा शाम का नाश्ता। बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। इसे हम प्लेट में ले लेते हैं। आजकल बरसात का मौसम है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, चटपटी, तीखी, खट्टी। आप इसे जरूर बनाएं। और